Hey guys, welcome back to my channel, My Little World, और मैं हूँ मौश्री। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन टिप क्लीनिंग रूटीन। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मंथली वंस ऐसे क्लीनिंग करती हूँ, यूजुअली मंथ एंड पर मैं करती हूँ, ताकि जाकर मतलब जो जो चीज़ें ख़त्म हो गए हैं उसको मैं ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड कर सकूँ। तो पहले मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या सामान यूज़ करती हूँ क्लीनिंग डीप क्लीनिंग के लिए। मैं यूज़ करती हूँ बेकिंग सोडा और दो कॉटन क्लोथ्स, ऐसे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, किचन क्लीनिंग वाइप्स वगैरह भी। ये है विनीगर और ये है एक ऑर्गेनिक क्लीनिंग एजेंट। मैं किचन में कोशिश करती हूँ कोई ऑर्गेनिक क्लीनिंग एजेंट यूज़ करने के लिए, केमिकल एजेंट ना हो तो ही बेटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक एक कैबिनेट को क्लीन करती हूँ। पहले एक कैबिनेट के से सारे चीज़ें मैं निकाल लूँगी एक एक करके, फिर उसके अंदर जो सारे डस्ट वगैरह है उस सारे डस्ट मैं एक ड्राई क्लोथ से क्लीन कर लूँगी। अच्छे से चारों ओर सारी चीज़ मतलब जो जो अच्छे से साइड वगैरह भी जहाँ पर भी जो जो डस्ट है वो सब कुछ मैं क्लीन करने के बाद मैं मेरा जो क्लीनिंग स्प्रे है उसको स्प्रे करके अच्छे से फिर से दोबारा क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है तो कुछ कुछ ऐसे उसमें दाग वगैरह है जो पहले से ही था, जो नहीं निकलते हैं वो सारे। अभी जो सारे शेल्फ लाइनर है उसको मैं डिश वॉशर सोप से अच्छे से धो लूंगी। ये सारे जो शेल्फ लाइनर है बहुत जल्दी सूख जाता है, इसे बाहर एक दो मिनट अब रखो के हवा में तो ये सूख जाएगा। तो एक बार ये सूख गया है तो सारे बॉक्सेस को अभी अच्छे से ये थोड़ा सा पोंछ के थोड़ा सा साफ करके मैं बॉक्स को फिर से अपने अपने जगह पे रख दूँगी। मैं एक कैबिनेट पूरा क्लीन कर लेती हूँ बाहर का अंदर का सब कुछ, फिर मैं दूसरे कैबिनेट पर जाती हूँ। ये जो हैंडल है ये इसमें थोड़ा स्टबन ऐसे ऑयल स्पिल्स वगैरह लग जाते हैं कुकिंग की वजह से, इसके लिए मैं एक पेस्ट बनाती हूँ बेकिंग सोडा और विनीगर के साथ। इसको मैं अभी अच्छे से सारे हैंडल्स पे लगा दूंगी और जहाँ पे भी कोई ऐसे हार्ड ऑयल स्टेन्स वगैरह होता है और किचन चिमनी के ऊपर वो सारे जगह पे मैं ऐसे लगा देती हूँ और इसको अच्छे से थोड़ी 5-10 मिनट्स रख के पोंछ दूंगी तो सब कुछ ऑयल वगैरह निकल के एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसे ये सारे चिमनी के कॉर्नर्स वगैरह में भी मैं वही पेस्ट यूज़ करती हूँ और फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर रख के फिर एक गीले हुए क्लोथ से मैं साफ़ कर लूँगी। दूसरा कैबिनेट उसको भी मैं इसमें ग्लास के मतलब ये कप्स वगैरह है और ग्लास के कुछ क्रॉकरी आइटम्स और नीचे है कुछ मसाले, सबको पहले ये ऊपर के इस शेल्फ को पूरा खाली कर लूँगी मैं सब कुछ निकाल के थोड़ा थोड़ा करके। इसका भी सेम प्रोसेस है, वही पहले मैं ये ऐसे शेल्फ लाइनर को धो के ऐसे बाहर थोड़ा सूखने के लिए रख दूँगी। एक दो मिनट में ही इजीली सूख जाती है, इतने अच्छे हैं, और स्प्रे करके अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी मैं कैबिनेट को। मैं बाहर ऐसे ये जो डोर्स के लिए ये भी सेम वही स्प्रे यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक वाला स्प्रे, वो बहुत ही अच्छा है, ऑयल स्पिल्स वगैरह एकदम से बहुत क्लीन कर देते हैं।
now it's time to arrange everything in their places back. तो ये है नेक्स्ट, जिसमें मैं सारे मसाले और डेली यूज़ के कप्स रखती हूँ। ये वाले जो शेल्फ है, इसमें मसाले का बॉक्सेस मैं क्लीन करती रहती हूँ। जब भी रिफिल करती हूँ तो सिर्फ मैं बाहर का ही थोड़ा पोंछ के, नीचे कोई भी अगर मसाले का स्पिल्स गिरा हुआ है तो उसको थोड़ा मैं क्लीन कर लूँगी। और एक चीज आपको याद रखनी है कि दैट डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। आपसे जितना जैसा हो सके आप वैसा ही कीजिए। अगर आप पूरा एक दिन में कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो एक कैबिनेट वीकली वंस ऐसे ही अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये है किचन चिमनी के ऊपर वाला, जिसमें ज़्यादा ऑयल के कॉन्टेक्ट में आता है वो, तो इसको अच्छे से इसमें सारे रहते हैं मेरे पल्सेस वगैरह भी, तो इसको अच्छे से मैं बाहर से ही पोंछ लूँगी और देख लूँगी कोई ख़त्म हो गया है, जो कम हो गया उसको रिफिल कर दूँगी, कुछ ख़त्म हो गया होगा तो उसको मैं ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड कर दूँगी। तो एकदम पूरा अरेंज हो गया अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। अभी आते हैं नीचे के सारे जो जो कैबिनेट्स है उसको क्लीन करना है। सेम प्रोसेस में मैं क्लीन करूँगी, एक एक कैबिनेट के अंदर से चीज़ें निकाल के उसको क्लीन करके मैं रख दूँगी फिर से। नीचे मोस्टली मेरे यूटेंसिल्स वगैरह ही रहते हैं तो उसको मैं अच्छे से सेम वे में क्लीन कर लूँगी। मेरे किचन में एक ही ड्रॉयर है जहाँ पे थोड़ा स्पून्स वगैरह रहते हैं और ये सारे स्क्यूअर्स हो गया, फिर ऑयल ब्रश वगैरह ये सब रहते हैं, लेमन स्क्वीज़र। सो सबको निकाल के वो लाइनर को धो दूँगी थोड़ा सा, फिर अंदर अच्छे से साफ करके फिर से मैं दोबारा सारे चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। के लिए एक साइड पे मैं रखती हूँ ये सब सारे क्लीनिंग एजेंट्स, तो काफ़ी बड़ा है, तो दूसरे साइड में दूसरे चीज़ रखती हूँ वो मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो इन सबको निकाल लूँगी और थोड़ा सा इसको मैं झाड़ू कर लूँगी। प्लीज़ एक्सक्यूज माई मेरे से लोग, क्योंकि ये इतना बड़ा किचन क्लीन करने के लिए मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा मतलब बड़ा तो नहीं है, बट ये क्योंकि सेमी मॉड्यूलर किचन है तो थोड़ा बहुत जल्द मेसी हो जाते हैं, तो ये इसको क्लीन करते करते मेरा हालत थोड़ा सा खराब हो ही जाएगा। और दूसरे साइड में से मैंने बोला था मैं चावल आटा फिर ये सारे रैप्स वगैरह किचन एल्युमिनियम फॉयल ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल के बॉटल्स वो सब कुछ रखती हूँ, उस सबको मैंने हटा दिया और फिर अच्छे से इस जगह को मैं सभी क्लीन कर लूँगी। फिर मैं सब कुछ फिर से अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी।
गया ये सेक्शन क्लीन। तो मैं जिस दिन किचन डीप क्लीन करती हूँ उसी दिन मैं सारे लाइट्स वगैरह भी अच्छे से, मतलब किचन लाइट्स वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ, और जो भी स्विच वगैरह है किचन में सारे, वो सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो मैंने पेस्ट बनाया था बेकिंग सोडा और विनेगर का, वही पेस्ट मैं ये जो गैस स्टोव है उसके सारे नॉब्स वगैरह के साइड पे अच्छे से लगा देती हूँ, और इसको थोड़ी देर रखने के बाद इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैं इसे वीकली करती हूँ वंस, और एवरीडे मैं नॉर्मल वेट को से क्लीन तो करती हूँ गैस को। तो ये ऐसा है मेरा डीप क्लीनिंग रूटीन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, शेयर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।